सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 9 प्रवेशी छात्र छात्राएं जिन्होंने सीयूटी का एंट्रेंस दिया है उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि आप सब जो है सीयूटी के एंट्रेंस में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जानिए क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको पहले जानेंगे। वीडियो को शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घर के हर एक चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए हर एक मोबाइल में, और जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के साथ। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने बीए का एंट्रेंस दिया, बीए के एंट्रेंस में आपका जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन रहता है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी एंट्रेंस की परीक्षाओं में हर एक कोर्स के एक चीज़ कॉमन है, दो चीज़ कॉमन है, जनरल टेस्ट और क्या, लैंग्वेज। एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट कॉमन है, तो जो कट ऑफ बनती है वो सबको मिला के कट ऑफ बनती है। तो जो भी विद्यार्थी मल्टीपल रजिस्टर, जैसे मान लीजिए बीएलएलबी में कम सीटें हैं, कॉलेज कैंपस को मिलाकर बीएलएलबी में 450 सीट्स हैं, तो बीएलएलबी के बच्चे अगर बीए करना चाहते हैं उसके बाद फिर एलएलबी आप अलग से कर लीजिएगा, आप अपना साल मत ड्रॉप करिए। मैं एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि आप विकल्प अपना मत छोड़िए। तो बीए की जो कट ऑफ जाती है वो बहुत लो कट ऑफ जाती है, यानी कि ना के बराबर जाती है। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा है, सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया है। मान लीजिए कि बीएलएलबी का किसी ने फॉर्म भरा है, वो बीए भी करना चाहता है, तो बीए का भी फॉर्म वो भर सकता है। अगर कैंपस आपको नहीं मिलेगा तो कॉलेज में एडमिशन आपका 110% हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है कि आपने अगर अपना जो डाटा दिया है एनटीए में, आप एक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आप दूसरा रजिस्ट्रेशन जाके करिए, उसमें सारी चीज़ आप वैसे भरिए, कोर्स की जगह आप भर दीजिए बीए। तो जितने कोर्स उतने अलग अलग रजिस्ट्रेशन, उतनी अलग अलग बार आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, लेकिन आप जो है थोड़ा सा अपने लिए मौका बचाए रखिए। क्योंकि सिर्फ अगर आप बीएलएलबी का भरेंगे, सिर्फ अगर आप बीएससी का भरेंगे तो हो सकता है आपका एडमिशन ना हो, तो बीए का भी भर दीजिए आप। मान लीजिए कि बीए के साथ साथ आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करना है, यानी बीसीए करना है, यानी बीसीए वाले बच्चे बीए करना, तो आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कट ऑफ में आएंगे तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कोई भी गलती मत करिए। अगर आप जो है जो भी चीज़ें आपको करनी है, यानी जो भी आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, आपने अगर एक रजिस्ट्रेशन किया तो आप दूसरा भी रजिस्ट्रेशन जाके कर सकते हैं, बेझिझक आप रजिस्ट्रेशन करिए। क्योंकि जितनी संभावनाएं आप पहले से खोल के रखेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा बाद में। मान लीजिए कि आप बाद में पछताएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अभी आपके पास 2 से 3 दिन का समय है, आप ताबड़तोड़ जाके रजिस्ट्रेशन करिए, आप 2 रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आप 3 कोर्स में अप्लाई कर दीजिए, अगर आपके नंबर बेहतर हैं तो आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बाकी सबसे सेफ कोर्स है यहाँ का बीए, कॉलेज कैंपस को मिला करके सारे बच्चों का एडमिशन होगा, यहाँ पे लिख के ले लीजिए, 110% गारंटी है। सीटें खाली रह जाती हैं, एडमिशन नहीं होता है, तो बीए का फॉर्म भर दीजिए। बीएलएलबी वाले थोड़ा सा भटकते हैं, पैसा वैसा बहुत चल रहा है, फ्रॉड उनके साथ अच्छा हो रहा है, वो भी इतने पागल है कि पैसा दे दे रहे हैं, तो उन सबसे बचिए आप लोग। आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि अगर आप बीएलएलबी में अगर आप बहुत कम नंबर पाए हैं तो आप बीए के लिए एलिजिबल है, आप बीए का भी एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ये सूचना थी, ये बताना था आपको, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। आप एक नहीं, आप 1000 रजिस्ट्रेशन करिए, आप 10 कोर्स में रजिस्ट्रेशन करिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपनी संभावनाएँ पहले से खोल के रखिए। ये सूचना थी आपके लिए, इसमें बहुत सारे बच्चों का एक डाउट था, तो आपके डाउट यहाँ से क्लियर हो जा रहे हैं। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज कॉमन है तो उसकी कट ऑफ में आपका एडमिशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।